हाँ तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में आपको साइंस का वन चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम पढ़ाए थे और हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वो आप कंप्लीट कर लिए होंगे। हम आज आपको थर्ड चैप्टर जिसमें फूड पढ़ाना है, तो मैं आज आपको फूड पढ़ाने जा रहा हूं। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आप बुक को अपने पास रख करके और फूड को देखते जाइए, हम क्या आपको समझा रहे हैं। तो फूड क्या है, व्हाट इज फूड, और क्यों जरूरी है फूड, ये दो चीज आप समझिए कि आखिर हमें क्यों जरूरी है फूड। यानी फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि फूड से हमें क्या क्या मिलता है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी अगर मिलती है तो उससे हम काम कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और इसके अलावे हमें हेल्दी रहना है, हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए भी हमें क्या जरूरी है, फूड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावे भी ग्रो करना है, ग्रो मतलब होता बढ़ना। आप छोटे हैं या कोई भी, जो चाहे एनिमल हो, चाहे वो आप ह्यूमन हो, व्यक्ति हो, बच्चे हो, सभी को ग्रो करना पड़ता है। एक खास सर्टन एज तक बच्चा ग्रो करता बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए भी, ग्रो करने के लिए भी उसको फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो मेनली जो है फूड की नेसेसरी आपको कहां कहां पर हुआ, कहां पर जरूरत है फूड का, किस किस काज के लिए। तो सबसे पहला है हमें खेलना है या वर्क करना है, प्ले या वर्क, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगा आपको, फूड से मिलेगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या चाहिए, तरह तरह के विटामिन वगैरह चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो हेल्दी रहने के लिए भी आपको फूड की आवश्यकता है, ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता है। तो फूड की क्यों आवश्यकता है, क्या काम के लिए आवश्यकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए कि हम लोग ये जो फूड, कई प्रकार के होते हैं फूड, कहां कहां से फूड को हम लोग अरेंज करते हैं, कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। यानी वी इट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड। जैसे फर्स्ट में आप देखिए, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स से फूड प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी आप देख लीजिए, जो पेड़ पौधे हैं, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो प्लांट से हमें मिलती है। पल्स है, जो दाल है वो, या फिर जो सेल्स है यानी अनाज है, ये सब कहां से प्राप्त होती है, ये सभी हमें प्लांट से मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि आप फूड कहां से प्राप्त करते हैं। तो फूड को प्राप्त करने का सोर्स क्या है, आपका प्लांट है। और भी कई से फूड प्राप्त करते हैं, यानी वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल से भी फूड प्राप्त करते हैं। आप लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, एग खाते हैं, मिल्क, आप देखिए मिल्क कहां से मिलती है आपको, काउ से मिल्क मिलती है, बफलो से मिल्क मिलती है, कैमल से मिल्क मिलती है आपको। तो मिल्क जो आपको प्राप्ति होता है वो कहां से प्राप्ति होता है, वो आपको प्राप्ति होता है एनिमल से। ओके, तो एनिमल से आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आपका सोर्स कितना है, दो सोर्स हो गया ना, एक हो गया प्लांट्स, प्लांट से क्या क्या मिला आपको फूड, कौन कौन सा फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं आप, और कुछ फूड्स आपको एनिमल से मिल जाता है। तो दो तरह से फूड आप प्राप्त कर रहे हैं। प्लांट से आपको कैसा फूड प्राप्त होता है, जैसे वेजिटेबल, वो प्लांट से प्राप्त हो जाता है आपको, जैसे सेरेल्स अनाज, अनाज आपको प्लांट से मिल जाती है।
जैसे पल्स दाने वो आपको कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है, और एनिमल से क्या क्या मिला है, तो एनिमल से आपको मिल रहा मिल्क, एनिमल से मिल रहा है, एनिमल से खुद आपको मटन चिकन एग ये सब भी आपको प्राप्त होती है फूड के रूप में, आप इसको लेते हैं। तो ये हो गया फूड का सोर्स कि फूड कहां से आपको प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि कुछ प्लांट्स हमें क्या देती है, प्लांट्स गिव अस ऑयल इन विच वी कुक आवर फूड, यानी हमें फूड बनाने में ऑयल की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। तो वह तेल कहां से मिलती है आपको, प्लांट से मिलती है। इसके अलावे भी प्लांट्स आल्सो गिव अस सीड्स, हमें प्लांट से कुछ सीड प्राप्त होती है। और जैसे सीड मतलब सीड के श्रेणी में क्या क्या आता है, जैसे सीरियल्स, तो सीरियल्स जो है मतलब अनाज एंड पल्सेस दालें, और बहुत ऐसा है जैसे जिससे कि आप उसको कहिए, कुछ प्लांट्स ऐसा भी है जिससे कि हमें जैसे गेहूं व्हीट मिलता है, राइस मिलता है, तो ये सब हमें प्लांट से मिलती है। ओके, तो प्लांट से कौन कौन सा टाइप का हमें फ्रूट प्राप्त होता है, कुछ वेजिटेबल है जो प्लांट से मिलती है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि एनिमल से कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है, वेजिटेबल से या प्लांट से कौन कौन सा फूड प्राप्त हुआ। तो इसमें हम देख लिए कि सेल्स के रूप में क्या क्या आते हैं, अनाज के रूप में क्या क्या प्राप्त होती है, और वेजिटेबल के रूप में क्या क्या प्राप्त होती है, और फ्रूट्स के रूप में क्या क्या प्राप्त होती है। जैसे फ्रूट्स में आप क्या देखें, बहुत सारा फ्रूट्स है जो आप खाते हैं, बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, तो ये सब फूड है, ये प्लांट से मिल रहा है आपको। अब आप चले ये एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलती है, तो जैसे वी ड्रिंक मिल्क, तो हम लोग जो मिल्क लेते हैं वो कहां से मिलती है, काउ से मिलती है, बफलो से मिलती है, कैमल से मिलती है, गोट से मिलती है, बकरी जो होती है उससे भी मिल्क मिलती है, ऊंट से मिलती है, बफलो बूझ रहे हैं, भैंस बूझ रहे हैं आप, गाय बूझ रहे हैं आप, इस तरह से हमें मिल्क की प्राप्ति कहां से होता है, एनिमल से होता है। इसके अलावे भी कुछ ऐसे जैसे कि आप देखिए चीज आप जानते हैं, चीज जो है घर में दूध को फोड़ करके जो हम लोग बनाते हैं पनीर, उसको चीज बोला जाता है, तो दूध से ही प्राप्त हुआ। आइसक्रीम देखिएगा, आइसक्रीम जो मिलता है वो मूल मिल्क से बनता है आइसक्रीम, वो पानी वाला आइसक्रीम नहीं, वो आइसक्रीम जो क्रीम आइस के साथ क्रीम मिला होता है, यानी क्रीम कहां से मिलेगा आपको, मिल्क से मिलेगा क्रीम, तो आइसक्रीम कहां से प्राप्त हुआ आपको, मिल्क से प्राप्त हुआ। मिल्क कहां से प्राप्त हुआ, एनिमल से प्राप्त हुआ, तो आइसक्रीम भी मिला। उसके बाद घी कहां से प्राप्त करते हैं, बटर कहां से प्राप्त करते हैं, तो ये घी बटर ये सब मिल्क का कंपोनेंट है, मिल्क से आपको मिलती है। तो ये चीज आपको क्लासिफिकेशन हम लोग पूछेंगे क्लास में कि कौन कौन सा फूड एनिमल से प्राप्त होता है और कौन कौन सा फूड जो है वो आपका प्लांट से प्राप्त होता है। अच्छा, इसके अलावा भी पूछेंगे प्लांट से वेजिटेबल बताइए कि कौन कौन सा वेजिटेबल प्लांट्स दे रहा है, कौन कौन सा जैसे पल्स के रूप में दाल के रूप में, कौन कौन सा सीड जो है हमें वाइन देती है, ये सब आपको जानना होगा। तो इस प्रकार से अब आपको हम कहां से प्राप्त हुई ये चीज हम आपको बता दी। अब हम आगे आपको ले चलते हैं कि जैसे कोई भी एनिमल से जो हमें प्राप्त हुई, तो अगर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कि क्या क्या चीज एनिमल से आपको कौन कौन सा फूड प्राप्त हुआ, तो आप लिख लेंगे, आप बताइए। जैसे वन बाय वन करिए, बटर कहां से प्राप्त हुआ, मिल्क से प्राप्त हुआ। अगर वेजिटेबल बोलते तो मिल्क क्या एनिमल से प्राप्त हुआ, वेजिटेबल नहीं। लेकिन अगर हम कहें घी, कहां से घी प्राप्त होता है, तो प्योर घी जो है वो कहां से प्राप्त होती है, वो हमें एनिमल से मिलती है। जैसे आइसक्रीम एनिमल से मिलती है। इसके अलावा भी जो हमें एनिमल्स का जो है, जैसे कि एग है, जैसे बटन है, मटन है, जैसे चिकन है, फिश है, ये सभी चीज जो है वो
आपको कहां से मिला? एनिमल से मिला। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि एनिमल से कौन कौन सा मिल रहा है फूड और कौन कौन सा फूड आपको इससे मिल रहा है। इसके अलावे आपको बताते हैं कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, कच्चा फूड है, और कौन कौन सा फूड जो है वो बना के आप खाते हैं। तो कच्चा फूड में आप देखेंगे, जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं या घर में सलाद खाते हैं, तो सलाद जो है उसमें आप देखेंगे कि क्या रहता है। सलाद में खीरा खाते हैं जैसे, उसमें ये कच्चा ही खाया जाता है, खीरा को आप बना के नहीं खाते होंगे। रेडिश खाते हैं जैसे मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो कैरोट हुआ, रेडिश हुआ, ये सब आप जो खाते हैं। जैसे टमाटो, टमाटो को तो आप पका के भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, रो भी है और इसको कुक्ड भी है, बना के भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। लेकिन अगर आपसे हम क्लासिफिकेशन करने दे दें कि कौन कौन सा फूड आप कच्चा खाते हैं, रॉ के रूप में खाते हैं, कौन कौन सा फूड को आप पका के खाते हैं, तो पका के खाने वाले कौन कौन से फूड हो गया, तो जैसे कि सेल से जितने भी अनाज जितना भी है उसको आप पका के खाते हैं, फल से जितना भी है, दालें जितना भी है वो पका के खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स है जैसे पोटैटो वो आप क्या कच्चा खाते हैं? नहीं, उसको आप पका के खाते हैं। तो पोटैटो जो है उसको आप कहां रखेंगे? वो आप पका के खाने वाले में रखेंगे। तो इस तरह से आपको कौन सा कच्चा खाना है, कौन सा पका के खाना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। आपको हम पूछेंगे कि आप फाइव फूड का नाम लिखें, जो रो है, रो के रूप में हम लेते हैं, कच्चा लेते हैं हम लोग, तो पांच आपको लिखना है। अब फिर पूछेंगे कि पांच आप बताइए जिसको पका के हमें खाना है, उसको पांच अलग करिए, तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको करना है क्या, स्टोरी फूड पढ़ना है आपको। तो स्टोरी फूड आप जान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं रख सकते, इट कैन गेट स्पॉइल्ड, ये खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, तब क्या करना, स्पॉइल्ड फूड हैज जर्म्स, उसमें क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड फूड में क्या हो जाता है, जर्म्स हो जाता है, छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है। अच्छा, तब अब क्या करना, इट कैन मेक अस सिक, वो क्या करता है, हमें बीमार कर देता है। तो आपको जानना है कि हम लोग क्या करते हैं, फूड को स्टोर नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, उसका हम लोगों को उतना साधन नहीं है कि आप घर में ले आइए गोभी खरीद करके और उसको एक महीना रख लीजिए, वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, और वो क्या करता है, हमें बीमार कर देता है। ओके, तब क्या करना है, इट इज बेस्ट टू ईट फ्रेश फूड, बेस्ट क्या है आपके लिए, फ्रेश फूड खाइए, ताजा मार्केट से आप जाइए और कोई भी फ्रूट को खरीद लीजिए, जैसे आपको बनाना खाना है, मैंगो खाना है, एप्पल खाना है, तो जो भी फ्रूट्स आपको चाहिए या जो भी फूड के रूप में, जैसे वेजिटेबल के रूप में फ्रेश फूड मार्केट जाइए और ताजा, जैसे कैरोट लेना है, टमाटो लेना है, तो तुरंत लाइए और उसको शाम को बना के खाइए, सुबह तक चला सकता है आपको, लेकिन दूसरे दिन उसको मत यूज करिए। ओके, तो हमें कैसा फूड लेना चाहिए, फ्रेश फूड लेना चाहिए। ओके, अच्छा, उसके बाद भी आपको बताते, जिसके घर में स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो सबके घर में अब मिलता है आमतौर पे, फ्रिज जिसको फ्रिज बोलते हैं, जो बच्चा सब उसमें आइसक्रीम जमाता है, आइसक्रीम जमाना नहीं, आपको फ्रिज का उपयोग ठंडा पानी पीने के लिए मत करिए आप लोग। फ्रिज जो बना है वो बना है, जो बना हुआ फूड है या मार्केट से जो हरी सब्जियां है वह तुरंत खराब हो जाती है एक दो दिन में, उसको वहां पे रखने से सुरक्षित रहता है। तो ये पूछा जाएगा कौन सा फूड को आप उसमें फ्रिज में रख सकते हैं, तो बना बनाया फूड भी, जैसे रात में खाना बन गया, अधिक बन गया, बच गया, तो उसको सुरक्षा के लिए आप कुछ समय के लिए, कुछ एक आध दिन के लिए उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, उसके बावजूद भी रखा हुआ फ्रिज में जो फूड आप रखे हैं उसको यूज करने के पहले आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा खाने के लिए, ऐसा नहीं कि चार दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ है आप निकाल लिए और खाने लिए, ये भी आपको नहीं करना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम समझे, ये हम समझे कि तीन चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क बना लीजिए। पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप बच्चों के साथ बैठ करके इसको पूरा करा दीजिए। धन्यवाद।